एमन, आप क्या समझते हैं, शाहिद अफरीदी जैसा एक फिगर अगर छोटे बच्चों के साथ लगे तो वो कितना कारामद होगा? बिल्कुल जी, शाहिद अफरीदी तो रोल मॉडल है सबके, और जब आपका रोल मॉडल आपके सामने हो, आपको कुछ सिखा रहा हो, तो आपको वो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। और उनका रोल हमेशा से क्रिकेट में अच्छा रहा है, उनका एक पॉजिटिव माइंडसेट था। वो उस वक्त से मॉडर्न क्रिकेट खेलते थे जब क्रिकेट का डिफरेंट टाइम था, तो आजकल उस क्रिकेट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आई थिंक एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट होंगे वो। विमेन क्रिकेट में भी हैं ऐसी कुछ खवातीन जो तेज खेलती हैं, जैसे हमने देखा है आलिया रियाज बहुत अच्छा खेलती हैं, उसके अलावा ओपनर जो अभी नई आई थी बहुत अच्छा वो खेली थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो आपको खवातीन में नज़र आता है इस तरह की कोई? जी बिल्कुल, अब हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है। मुनीबा सिद्दीकी हैं जिन्होंने आयरलैंड में T20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी की, उससे पहले उसने वनडे में भी सेंचुरी की, अभी रिसेंटली उसने बांग्लादेश के अगेंस्ट 50 रन की और पाकिस्तान को मैच जितवाया। अनफॉर्चुनेट थे कि हम सीरीज हार गए थे, लेकिन हमारे पास टैलेंट तो मौजूद है और अब हम मॉडर्न क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेट हम इसलिए भी हैं कि आयशन टीम हमारे पास एक बहुत अच्छा नाम आया था, लेकिन फॉर सम रीजन उसने क्रिकेट क्विट कर दी, लेकिन इस तरह का टैलेंट अब आ रहा है और क्रिकेट इम्प्रूव हो रही है लड़की। और अभी बांग्लादेश में है टीम, T20 सीरीज आपने भी बताया कि पाकिस्तान नहीं जीत सका, वनडे अब सीरीज शुरू होगी, तो क्या उम्मीद है, क्योंकि बांग्लादेश की टीम यहाँ आई थी 2015 में तो उसको वाइट वॉश किया था पाकिस्तान ने, मुझे याद है। उसके बाद से पाकिस्तान की टीम ने वेस्ट इंडीज़ को भी हराया था, उसके बाद अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी बहुत अच्छा खेली, तो पाकिस्तान में क्रिकेट इम्प्रूव हो रही है विमेन की? जी बिल्कुल, बांग्लादेश से हमारी सीरीज कल से स्टार्ट हो रही है। बांग्लादेश के साथ हमारा कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ रहता है, स्पेशली बांग्लादेश में, क्योंकि वहाँ की विकेट थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं, ब्रेक वहाँ पे ज़्यादा होता है, थोड़े लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं। तो लेकिन ये था कि हम लास्ट टाइम भी बांग्लादेश गए थे तो वहाँ पे हमने उनको सीरीज हराई थी, और अभी रिसेंटली हमने उनको एशिया कप में भी हराया है, तो उम्मीद अच्छी है कि हमारी टीम अच्छा करेगी वहाँ पे। आप क्या समझती हैं, विमेन के डोमेस्टिक मुकाबले होने चाहिए लाइक PSL जिस तरह से होती है मर्दों की, इस तरह से खवातीन की PSL भी होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए, ये तो एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा वुमेन क्रिकेट के लिए। लास्ट ईयर हमने एग्जीबिशन मैचेस खेले थे, 3 एग्जीबिशन मैचेस खेले थे जिसमें हमारे साथ फॉरेन प्लेयर्स भी थी। यूजुअली हमारी बायलेटरल सीरीज होती है उसमें भी हम फॉरेन प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलते हैं, लेकिन उसमें वो आपके ओपोनेंट होते हैं, आप उनसे उस तरह से लर्न नहीं कर सकते। लेकिन ऑब्वियसली जब एक वर्ल्ड टॉप 10 प्लेयर्स आपके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे होंगे, आपको गाइड कर रहे होंगे, आपके कैप्टन होंगे, तो आप उनसे वो बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं जो लड़के सीखते हैं लीग में। अफगानिस्तान की आप टीम देखें तो उन्होंने अगर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव इसलिए किया है क्योंकि उनके लड़के जो हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड लीग खेलते हैं। तो वुमेन क्रिकेट में एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको पाकिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा लैक करती है। हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती कि हम बिग बैश जाके खेल सकें। तो PSL तो हमारा अपना ब्रांड है और आई थिंक इसको आगे आना चाहिए वुमेन क्रिकेट को लेके, और एग्जीबिशन के बाद अब उसको टूर्नामेंट कराना चाहिए।